की कहना चाहते हो जो आज तुम बीमारी के बारे दसना चाहते थे, कि वो बीमारी है, की जागरूकता करना चाहते हो उस बीमारी के बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर नवदीप गोयल है। मैं दीप हॉस्पिटल विच बच्चों का स्पेशलिस्ट हाँ। तो मेरी सुपर स्पेशलिटी बहुत क्रिटिकल बच्चों के विच है। मैं उत्थों पीडियाट्रिक ICU जो बच्चों का दीप हॉस्पिटल उसका इंचार्ज हाँ। अजकल एक जिमें आप सब को पता है कि करोना का सीजन चल रहा है, करोना करके बहुत लोगों की मौत हुई है, बड़े लोगों को होर नुकसान भी होए है, बच्चों भी करोना आ रहा है। पर बच्चों से जो गंभीर बीमारी है करोना की, वो होर तरह की बीमारी है। उस लक्षण जिमें अपने रूटीन बड़े होंगे है कि सह चढ़ना, ऑक्सीजन घटना, इस तरह के नहीं है। ये बीमारी असी MISC नाम दिता है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी सिस्टम इनफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। करोना वर्गे लक्षण भी आते हैं बच्चों से, पर यह ज़्यादा गंभीर रूप है बीमारी का। ये जिमें बच्चों जो कभी उसके घर किसी इन्फेक्शन हुई है करोना की, या बच्चे खुद इन्फेक्शन हुई है, उदो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, उदो नहीं पता चलता, वह निकल जाती है उस टाइम। उस तो कुछ 2 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद, 6 हफ्तों बाद यह बीमारी शुरू होंगी है, कि ये उस टाइम गंभीर रूप लै सकती है। तो देखा जाता है कि जिवें हुण करोना की दूसरी लहर बहुत गंभीर सी, आ के चली गई, आने वाले टाइम के जिवें तुसीं दस्सिया कि जो MISC बीमारी चल रही है, बच्चों या उन्होंने माँ बाप को तुसीं की जागरूकता करना चाहते हो? देखो, करोना की लहर थोड़ी घटी है, दूसरी लहर हजे भी चल रही है, हजे भी करोना के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल तो हजे भी फुल रह गए हैं। पर जो मैं थोड़ा पहले दस चुका है, जो MISC है वो करोना जो दे नाल नहीं आती, उस तो बाद ज़्यादा गंभीर रूप लेंदी है। जिमें पहली भी जो पहली लहर आई सी, उस पहली लहर खत्म होने आ गई सी, तो उस टाइम MISC के पेशेंट साढ़े को आन लगे सी, उदो बिल्कुल नवी बीमारी मनी जाती सी। उस टाइम सानू समझ आने लगी कि करोना के ही एक तरह कॉम्प्लीकेशन है, उस तो बाद शुरू हुई हैं। तो MISC हजे भी पेशेंट बहुत आ रहे दूजी स्पाइक तो बाद भी, पर जिस तरह का दूजी स्पाइक बहुत बड़ी सी पहली स्पाइक नालों, तो हजे आप लगता मैं ये पॉसिबिलिटी है कि ये पेशेंट्स होर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बीमारी शुरू मैं तुम दस कि 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद होंगी है। इस होंगे जो करोना की बीमारी उस टाइम सिमटम्स आते हैं, वायरस अंदर रेप्लीकेट करता है, ये बच्चों की जो करोना वायरस अंदर बॉडी में चला गया, उस तो बाद उसका इम्यून सिस्टम है वो रिस्पोंड करता है। वो कई बच्चों में ज़्यादा रिस्पोंड कर जाते, जिन्होंने आप कहने हाइपर हो गया, हाइपर इम्यून सिस्टम हो गया, उस करके बच्चों नुकसान करता। इम्यून सिस्टम अपना ही बच्चों का अंदर उसके ऑर्गन्स नुकसान करता, वो MISC का रूप लेंदा है। तो हजे हजे भी करोना चल रहा है, लहर भावें घट रही है, पर इसके केस इन फ्यूचर च हजे वधन की संभावना है। देखो, वैसे तो जो असी देखे हजे तक सारे एज के बच्चे आ रहे हैं इस बीमारी लिए, ईवन न्यू बॉर्न जिन्होंने इनफेंट कहने, न्यू नेट कहने, उन्होंने भी आ रही है। पर ज़्यादा बच्चे असी देखे 8 से 10 साल की उम्र के, ज़्यादा 12 साल के, 15 साल के, ये बच्चे ज़्यादा है, तो ज़्यादा सीरीयस इन्हों के ही है। 8 साल तो उपर जिहड़ा एज ग्रुप है उस ज़्यादा सीरीयस है जो हजे तक असी देखे। सर साढ़े को सारे पंजाब तो पेशेंट आ रहे हैं। रिसेंटली असी एक परसों चौथ ही डिस्चार्ज किया, बच्चा बठिंडे तो आया सी, एक फिर बच्चा नंगल तो आया सी, इतों लोकल पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तो सारे कितों ही आ रहे हैं बच्चे। तो जो आम लोग ने, बच्चे ने, घर के किस तरह उन्होंने माँ बाप का ख्याल रखना, ये कोई सुझाव है तो? देखो, सब तो पहला तो यही है कि बच्चे नूं करोना की इन्फेक्शन ही ना हो, किसी नूं भी बच्चे नूं या बड़े नूं करोना की इन्फेक्शन ही ना हो। उसके लिए तो आपां नूं पता ही है कि आपां मास्क पाना है, घरों बाहर घट तो घट निकलना है, 2 गज की दूरी बनानी है, हाथ बार बार वॉश करने हैं। जे करोना की इन्फेक्शन ही ना होगी तो बीमारी नहीं होएगी। जो करोना की इन्फेक्शन होगी उस टाइम बच्चों में करोना की इन्फेक्शन माइल्ड होंगी है, सिर्फ फीवर, खांसी, जुकाम आके हट जाता, कई बार पता भी नहीं लगता, कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। पर जो फिर ये आती है तो ये फीवर तो शुरू होंगी है, ज़्यादातर असी देखा है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आता, विद राइट चिल्स आता है, कंबनी बहुत छिड़ती है, पसीने आते हैं, वो फीवर बाकी
जे आप सारा रूल आउट कर लिए जिम्मे टाइफॉइड का फीवर चल रहा अजकल या होर वायरल चल रहे हैं, जे वो सारे डायग्नोस नहीं आते तो फिर आपको इसका इस बारे सोचना चाहिए क्योंकि ये जल्दी पिक हो जाएगी, जल्दी इलाज हो जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लीकेशनस घट रहनगियाँ, अदरवाइज इस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेशन हो जाती है सारे ऑर्गन इनवॉल्व। सर ये जिस तरह की कोरोना एक दूसरे टच करना हो जाता वा इस दूसरे नहीं, ये बहुत वधिया क्वेश्चन किया पेरेंट्स नूं भी दसदे हैं ये करोना वांगू एक दूजे तो नहीं होंगी, ये बीमारी शुरू ही उदों होंदी है जदों यूजली थोड़ा करोना का वायरस खत्म हो गया होंदा तो थोड़ी इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है, ये थोड़ी इम्यूनिटी अपने आप बच शरीर में ही खराब कर दी उस तो होंगी है, तो करके जो ये बीमारी हो गए उस टाइम सू सारियाँ सावधानियां नहीं लैनिया पैदा कि असं पेशेंट आइसोलेशन च रखीए उन्होंने फैमिली ना मिलन देिए, ठीक है ये साढ़े रूटीन वाले आईसीयू के ही असं इन्हों ट्रीट करते हैं, ये वायरस एक दूजे तो वायरस नहीं होंगे इन्हें ट्रांसफर नहीं होंगी। सर बचने की करना चाहिए? मैं पहले ही दसिया कि सब तो पहले करोना ही नहीं होना चाहिए, जे हो जाए तो फिर आपको यदा अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, जे थोड़े बच्चे फीवर हाई ग्रेड फीवर चल रहा है विद नाल थोड़े हल्के फुल्के सिस्टम डायरिया है पेट दर्द है तो वो ठीक नहीं हो रहे रूटीन मेडिकेशन ठीक नहीं हो रही तो अपन उस टाइम ही डाउट होना चाहिए भी ये MISC ना हो, उस संबंध में अपन डॉक्टर मिलना चाहिए उसके टेस्ट करवाने चाहिए है तो उतो जो अपन बीमारी जल्दी पिक हो जाती है तो फिर उसका इलाज ईजी हो जाता है। सर जो टेस्ट ने जिन्हें भी जिस तरह के टेस्ट होंगे जिम्मे कोविड के टेस्ट होंगे सके किट अपन जवाब मिल जाता सगा कि पॉजिटिव है इस तरह के किस तरह टेस्ट होंगे सर? सर ये आप देखते हैं भी कोविड की एंटीबॉडीज तो पता चलता अपन इस एंटीबॉडी टेस्ट कराने कोविड का उस जे वो पॉजिटिव हो गए तो यह मतलब बच्चे कोविड की इनफेक्शन हुई थी, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब इनू कभी ना कभी बच्चे इनफेक्शन हुई थी, ठीक है फिर अपन सिम्पटम्स आ गए फीवर आ गया हाई ग्रेड फीवर हो गया डायरिया हो गया या होर बहुत तरह के सिम्पटम है थोड़े जो बहुत सीरीयस हो जाए बच्चा फिर थोड़ी किडनी इनवॉल्व हो जाती है यूरिन आउटपुट घट जाती है हार्ट का ब्लड प्रेशर घट जाता है हार्ट इनवॉल्व हो जाता है जो सारे सिम्पटम्स है प्लस एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है बाकी होर टेस्ट सारे नैगेटिव है होर बीमारियों के तो आप मान के चलते हैं भी ये MISC है। सर लास्ट के एक सवाल है कि जो माँ बाप ने बच्चों के खाने के प्रति बड़े कन्फ्यूज होंगे ने क्योंकि खाण पीन लैके सवेर तो शाम तक बच्चे बहुत जिमें बाहर चीज़ा भी खा लेंगे ने या उन्होंने अज के टाइम के जिमें गर्मी चल रही है अगर फिर बरसात आ जानी किस तरह का मतलब कि उन्होंने खाना जो देना चाहिए बच्चों को? देखो खाण पीन का वैसे तो अपन हमेशा ही अपना हैल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए चाहे बच्चे है चाहे बड़े है बाहर दी चीज़ों तो परहेज करना चाहिए कोविड इतना खास करके गल है ही है कि बाहर दी चीज़ों से परहेज करो पर जो जो अपन कोविड हो गया या कोई इस तरह की बीमारी हो गई हाई ग्रेड फीवर चल रहा है उस टाइम अपन अपना बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेनटेन करना जरूरी है, ठीक है मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को कहना है जो हाई ग्रेड फीवर ना आए भी जो एक दो दिन बच्चा नहीं भी खा पाऊगा तो वो आप इग्नोर कर सकते पर लॉट ऑफ लिक्विड्स प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स ये मेनटेन करना बहुत जरूरी है। सर ठीक होने के चांस नहीं है बच्चे डेथ के कितने चांस होंगे? सर ये डिपेंड करता जो तुम सही ट्रीटमेंट टाइम पर ले ली है सीरियस ईवन सीवियस पेशेंट में भी तो जिमें मैं थोड़ा दसा साढ़े को सीरीयस पेशेंट बहुत आए हैं मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दस सकता जो ICU एडमिट रहे हैं वेंटीलेटर पर रहे हैं पर फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस साढ़े को हजे कोई डैथ नहीं हुई MISC वैसे 5-10% चांस मनिया जाता है लिटरेचर के हिसाब से कि इस डैथ का रिस्क हैगा, ठीक है पर इसकी ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है जे शुरू च ही पिक हो जाए बीमारी सिर्फ फीवर से डायरिया के नाल फिर तो रूटीन च कई बार ओपीडी बेस भी ट्रीटमेंट हो जाता है पर जे बच्चे के सारे ऑर्गन इनवॉल्व हो जाए जिम्मे मैं दसा भी हार्ट इनवॉल्व हो गया किडनी इनवॉल्व हो गई लिवर इनवॉल्व हो गया फिर उस सू बड़ी मेडिकेशन महंगी देनिया पैदा वेट के अकॉर्डिंगली होंगे बच्चे के सवेरिटी के अकॉर्डिंगली होंगे जिमें IVIG इंजैक्शन देना पैंता वो महंगा होंगे काफ़ी वो वेट के हिसाब से थोड़ा खर्चा वाद है कई कई बच्चों लखों रुपये इंजैक्शन पै जाता है। ठीक है सर थैंक यू।